हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ हाई ऑर्डर होता है तो उस केस में हम कैसे उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। इसी टॉपिक को आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये था मेरा, जिसमें मैंने बताया था कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हाई ऑर्डर का है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सी एफ एंड पी आई फाइंड करना होता है। सो सी एफ ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये था हमारा टॉपिक टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें चार केसेस थे, इसके चारों केस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियोज को चैनल पर देख सकते हैं, उन वीडियोज को प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वो चार केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे कि हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ फाइंड करना तो हमने सीख लिया है, अब पी आई फाइंड करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस के वन डी की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी की इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस के टू, और यहाँ पर जाएगा डी की पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो वन, यहाँ जाएगा प्लस के की पावर एन इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी एक क्यू था। तो अब ये जो क्यू होता है, ये क्यू को हम कहीं कहीं पे जीरो भी लिख रहे थे, किस केस में, जब हम सी एफ फाइंड कर रहे थे, क्योंकि सी एफ में सी एफ की जो वैल्यू होती है वो क्यू पे डिपेंड नहीं करता है, बट पी आई की जो वैल्यू होती है वो क्यू पे और इस साइड के टर्म्स पे डिपेंड करता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस वाले इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिख रहे थे, जब हम इसको ऑपरेटर डी में रिड्यूस कर रहे थे, तो वो फॉर्म क्या था, वो था हमारे पास डी की पावर एन प्लस के वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस के टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस सो वन, और एंड में क्या आ जाएगा के एन, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो वाई था ये पूरे के कॉमन आ जाता है। उसके बाद हम इस y को ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू q अपॉन d की पावर n प्लस k1 d की पावर n माइनस वन प्लस k2 d की पावर n माइनस टू प्लस सो वन kn। तो ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। जब इक्वेशन इस फॉर्म में, हम पहले इक्वेशन को डी में चेंज करते हैं, फिर वहां से हम इसका सी ए फाइंड कर लेते हैं, और सी ए फाइंड करने के बाद हम फिर इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं वाई इज इक्वल टू जो भी राइट हैंड साइड है अपॉन लेफ्ट हैंड साइड पूरा। उसके बाद अब इस क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हम पार्टिकुलर इंटीग्रल किस वे से फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके भी टोटल फोर केसेज हैं इसमें भी। सो हम सभी केसेज को टर्न बाई टर्न डिस्कस करेंगे अभी। कुछ केसेस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। अब सब चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। फिर इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपको कहीं पे भी, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखा मिल रहा हो वन अपॉन डी और यहाँ पे सपोज क्यू हो, तो इसको हम कैसे, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू डी एक्स, ये क्यू है। अगर वन अपॉन डी इंटू क्यू है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स, और अगर ऐसा हो डी इंटू क्यू है तो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्यू, और अगर डी स्क्वायर है तो डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और वन अपॉन डी स्क्वायर आपको जब आप पी आई सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पे भी वन अपॉन डी स्क्वायर टर्म एंड में नहीं बचेगा, कहीं बचता है तो आपको वन अपॉन डी स्क्वायर को किसी भी तरह रिड्यूस करके उसको वन अपॉन डी फॉर्म में चेंज करना है। इसीलिए इंटीग्रेशन डबल यहाँ पे नहीं होगा, अगर स्क्वायर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल इंटीग्रेशन कर दे, बट अगर यहाँ पे डी स्क्वायर क्यू है इट मीन्स क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके केसेस को, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो आपको अभी आगे थोड़ा यूज आएगा जब हम पी आई सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका केस वन डिस्कस करते हैं। सो केस वन में क्या है, केस वन, अब मैंने अभी बताया कि सब चीज डिपेंड करेगा इस क्यू की वैल्यू पे, जो इक्वेशन में क्यू है यहाँ पे ये सब इस क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, ये जो इस साइड में इक्वेशन था, ये जो पूरा इक्वेशन है इस चीज को, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ डी से, एफ ऑफ डी, क्योंकि इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं सभी डी में आ रहा है तो इसको हम फंक्शन ऑफ डी से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, चीज आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब अगर यहाँ पे जो q है, ये q अगर e की पावर ए एक्स का इक्वल है, क्लियर है, अगर ये q e की पावर ए एक्स का इक्वल है तो उस केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो होता है हमारे पास, पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका जो आंसर होता है वो होता है e की पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए। इट मीन्स कि जब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो अगर q की वैल्यू e की पावर एक्स है तो एफ डी को हम पहले डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे, मीन्स कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी
और अगर क्यू की वैल्यू इफ क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ax, देन जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर ax अपॉन जो यहाँ पे a की वैल्यू होगा उसको हम डिनोमिनेटर में d की जगह पुट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे f a हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अगर e की पावर ax है तो उसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन होता है कि इस केस में f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इफ f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, अगर f ऑफ a जीरो के इक्वल है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जाएगा y इज इक्वल टू, जैसे कि आपने पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा y इज इक्वल टू q अपॉन fd, फिर आपने क्या किया, अगर q e की पावर x है तो fd की जगह आपने d की जगह a पुट किया। अब अगर आपको जीरो आ रहा है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि आप इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, मींस x इनटू e की पावर x, यहां पे x है तो x मल्टीप्लाई किया अपॉन जो fa है, यहां पे हम क्या फाइंड कर लेंगे f'a, और यहां पे भी क्या है f'a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर यहां पे भी जीरो है, मींस इफ f'a इज इक्वल टू जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं साइड में, इफ f डैश a इज इक्वल टू जीरो, देन फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब एक और x मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो जाएगा x स्क्वायर इनटू e की पावर ax अपॉन f डबल डैश a, और ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ जाए, तो सॉरी जीरो जीरो ना आ जाए, अगर जीरो आ रहा है तो हम उसको नीचे डिफ्रेंशिएट और ऊपर एक x मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सो गाइज ये था हमारे पास केस फर्स्ट। गाइज केस फर्स्ट का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, तो ये है एग्जांपल ऑफ केस फर्स्ट। तो इस एग्जांपल में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इनटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो अगर आप इसका सीएफ फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं, सीएफ इसका ऑलरेडी हम एक्चुअली फाइंड कर चुके हैं पहले, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारे पास क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन है, डायरेक्ट मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा d प्लस 3 प्लस 2 डी प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ रूट्स जो इसके हो गए, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर आप d भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2, और ये दोनों क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसका जो वो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यहाँ पे होता है c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। क्लियर है? ये होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का, ये भी हमारे पास क्या था, केस फर्स्ट का था, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, केस फर्स्ट का यहाँ पे था कि जब रियल एंड डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, और ये m1 m2 यहाँ पे क्या थे, रूट्स थे, m1 m2 यहाँ पे रूट्स थे। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी डिस्कस, वही चीज मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, देख सकते हैं गाइस, ये चीज यहाँ पे सेम यूज है। तो अब cf फाइंड हो गया, अब अगर हम इसका pi फाइंड करना है, तो pi फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, ये है। अब यहाँ पे e की पावर ax, अगर हम इस, ये जो q की वैल्यू है, ये क्या है, यहाँ पे ये q है, तो अगर हम q को कंपेयर करें e की पावर ax से, तो a की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे हमारे पास, इट मीन्स कि हमें d की जगह 1 पुट करना, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस 5 प्लस 6 जगह e की पावर x अपॉन 12। तो इसका ये हो गया हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, cf प्लस pi, तो क्या हो जाएगा, c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर x अपॉन 12, इसका आंसर हो गया। सो आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि कैसे, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी गिवन हो, मीन्स यहाँ से भी क्लियर हो गया कि हम सी एफ पी आई इकट्ठे कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसका ये था हमारे पास इसका फर्स्ट केस, अब इसका हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ल्ड से, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है। नाउ गाइस सेकेंड केस में क्या है कि अगर क्यू की वैल्यू ऐसा कुछ गिवन है, साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी, तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पिछला में अभी हमने डिस्कस किया जनरल केस, उसमें क्या था कि पीआई के लिए हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फंक्शन ऑफ डी होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आपको जिस भी क्वेश्चन में साइन और कॉस अगर ऐसा कुछ गिवन होगा क्यू की वैल्यू, उस केस में क्या होगा, कभी आपको जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा डी स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर से ग्रेटर का पावर बन रहा होगा उसमें, क्योंकि ये जो अप्लाई होता है इस केस में, हम क्या करते हैं, इस केस में हम सॉल्व कैसे करते हैं पीआई को, अगर क्यू की वैल्यू ऐसा कुछ है तो हम मिस फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने का क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी अगर होगा, या फिर और
cos x plus b दोनों के लिए इसमें रूल सेम है, अगर साइन गिवन हो या cos गिवन तो उस केस में क्या करेंगे, साइन x plus b अपॉन f ऑफ माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें रूल ही है कि हम इसमें क्या करते हैं, माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, जैसे कि अभी जो हमारा लास्ट था उसमें क्या पुट करते थे हम, जो यहाँ पे ए की वैल्यू होती है ई की पावर में, यहाँ पे क्या था, जो ई की पावर ए की वैल्यू होती है हम सिंपली डी की जगह पुट कर देते थे, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, क्या पुटते हैं डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको डी स्क्वायर डी क्यूब डी फोर ऐसा कुछ गिवन होगा, अगर डी फाइव गिवन है लाइक डी फोर गिवन है तो डी फोर को हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, अगर डी फाइव गिवन हो तो क्या लिख सकते हैं उसको डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू डी, इस तरह से। तो फिर अगर आपको ऐसा एक डी बच रहा है तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, एक डी बच रहा है तो वो सिंगल डी का, अब सिंगल डी का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिंगल डी अगर बच रहा हो, अगर ऊपर मल्टीप्लाई में डी इंटू समथिंग एक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर वन अपॉन डी इंटू एक्स है इसका मतलब हो रहा है इंटीग्रेशन, तो वो जब हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा क्लियर हो, तो वो जब इसका हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वो आपको ये अभी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है, अगर यहाँ पे कंडीशन है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, इफ अब अगर इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है, जो कि हमने अभी पिछले केस में डिस्कस किया था, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ डैश माइनस ए स्क्वायर, और अगर फिर जीरो आता है डिनोमिनेटर तो फिर क्या हो जाएगा एक और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर। तो आपको ये चीज चेक करते रहना है कि जब तक डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तब तक आपको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते रहें और उतने ही टाइम्स आप ऊपर एक्स मल्टीप्लाई करते रहें। सो गाइस आई होप कि आपको सेकंड ये भी क्लियर हो जाएगा, अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, उससे आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस वाले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास डी क्यूब प्लस वन और मल्टीप्लाई में है वाई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स माइनस वन, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे टू एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे जैसे ही कॉस का आया तो यहाँ पे डी से ग्रेटर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्म किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी के, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप वाई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन डी क्यू प्लस वन। अब हमें क्या करना था, डी स्क्वायर की जगह पुट करना है माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या है टू है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस वन अपॉन डी क्यू को लिख सकते हैं d इंटू डी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x माइनस वन अपॉन d इंटू डी स्क्वायर, मीन्स यहाँ से d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर पुट करना है तो a की वैल्यू 2 है तो ये जाएगा माइनस फोर प्लस वन, तो वैल्यू क्या हो गया cos 2x माइनस वन अपॉन वन माइनस फोर डी। अब ये हो गया हमारा y की वैल्यू, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में डी आ रहा है और जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से जो ये डिफरेंशियल होता है इसको यहाँ से रिमूव करना होता है, इक्वेशन में कहीं पे डी आपको फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए, तो 1 माइनस फोर डी को यहाँ से कैसे रिमूव करेंगे, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिवेंडो, कॉम्पोनेंडो डिवेंडो, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे 1 माइनस फोर डी है तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस फोर डी इंटू जो यहाँ पे बीच का साइन है इसको अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कैसे 1 प्लस 4d अपॉन 1 प्लस 4d, क्योंकि इसको यहाँ से कट कर सकते हैं तो फाइनली 1 माइनस 4d ही बचेगा। तो ऐसे कब करते हैं, जब हमें डिनोमिनेटर से कुछ जो वैल्यू होता है उसको रिमूव करना होता है, कोई वेरिएबल आ रहा हो तो यहाँ पे 1 माइनस 4d, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता और मल्टीप्लाई में क्या है कॉस ऑफ 2x माइनस 1, तो अब इसको ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4d और यहाँ पे है कॉस ऑफ 2x माइनस 1, क्लियर है, ये बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 16d स्क्वायर। अब देख सकते हैं गाइस ये फिर से यही फॉर्म आ गया 1 प्लस 4d और यहाँ से क्या बन रहा है कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 16d स्क्वायर, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में, तो अगेन जब हम d स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4d, 1 प्लस 4d और ऊपर में है कॉस ऑफ 2x माइनस 1
अपॉन में क्या था, अपॉन में है 1 माइनस 16 डी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 4 डी, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2, मीन्स ए की वैल्यू 2 है तो हमें डी स्क्वायर की जगह पुट करना है माइनस ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 मल्टीप्लाई -4, हो जाएगा 1 प्लस 4 डी कॉस ऑफ 2x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में 2x माइनस 1, इसका एक ही डिग्री है पूरा, एक ही जगह मल्टीप्लाई में नहीं, सॉरी ये पूरा एक है, कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 64, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 65, 1 प्लस 4 डी, क्लियर है, और यहाँ से आ जाएगा कॉस 2x माइनस 1, ये इस पूरे में आ गया, क्लियर है गाइज। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन 65, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस 1, इस पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, अब 4d को करते हैं, तो प्लस 4d कॉस ऑफ 2x माइनस 1, क्लियर है, ये हो गया, और ये ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 65, और एक तो आ ही गया कॉस ऑफ 2x माइनस 1, प्लस अब 4d है, तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं पे d इंटू x गिवन है, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, और अगर 1 अपॉन dx आ रहा है कहीं पे, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये चीज आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का होता है sin, और ये 2x का हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ गया प्लस, और cos का होता है माइनस sin गाइस, सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा ये प्लस, यहाँ से चेंज हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा -8d, एंड यहाँ आ जाएगा sin 2x माइनस 1, तो इसका यहाँ से ये इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 65, ये आ जाएगा cos ऑफ 2x माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 8d sin 2x माइनस 1, और ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो अगर आपको केसेस फर्स्ट केस सेकंड केस अगर इस टाइप का केस गिवन है तो हम पीआई कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, एंड सीएफ वाली वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज को भी देख लें, और इस चैनल पे और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियोज अपलोडेड है, लाइक एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, यूलर्स थ्योरम हो गया, ये सभी अपलोडेड है, उन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अभी और वीडियोस आगे अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।